और हम स्टोर हैज इस पे चल रहे थे, इस वाली यूनिट पे, स्टोरेज ऑफ हैजर्डस एंड डेंजरस गुड्स एंड स्टोर प्रिजर्वेशन पे, तो अब उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा रिपीट, डेंजरस मटेरियल, हैजर्डस मटेरियल जो है वो ये कहलाएंगे केमिकल टाइप, इसका केमिकल टाइप रहता है, दूसरा रहता है फिजिकल टाइप है, क्लासिफिकेशन ऑफ हैजर्डस मटेरियल क्या कौन कौन से हैं, एक्सप्लोसिव टू एयर ऑक्सीजन, एक्सपोजर टू एयर ऑक्सीजन, ये अभी आपके इस तरीके के कोई क्वेश्चंस नहीं बने हैं। अब सीधे जो क्वेश्चंस बने हैं ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, हाँ, तो इसको पढ़ने के इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको सीधे सीधे हम चर्चा करेंगे कि जब एक्सप्लोसिव को स्टोरेज किया जाता कहीं पे भी, डिपो में स्टोरेज किया जाता है या जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग होती है एक्सप्लोसिव की, तो उसके उस बिल्डिंग को मतलब कि दोनों साइड से जैसा भी उचित वो होता है ट्रावर्स बनाया जाता है। ट्रावर्स कैसे रहते हैं, मिट्टी के टीले जैसे रहते हैं, मतलब दोनों बिल्डिंगों, मान लीजिए एक बिल्डिंग बीच में, एक यहाँ पे दोनों तरफ में उसके ट्रावर्स बना दिए जाएंगे, तीसरे तरफ उसकी इंटेंसिटी देखते हुए मिट्टी के टीले खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे कि यदि धोखे से भी एक्सीडेंट होता है तो जो भी बम वगैरह है तो उसकी आग ना फैले, यदि वो फट गए हैं तो वो जा करके सीधे सीधे मिट्टी में घुस जाए, जिससे कि दूसरी जो आसपास की बिल्डिंग्स है उसमें आग ना फैले, उसमें नुकसान ना हो, उसमें विस्फोट वगैरह ना, तो ट्रावर्स बना दिए जाते हैं मिट्टियों के। तो ये क्या लिखा है, स्टोरेज इज मेड इन ट्रावर्स बिल्डिंग टू प्रिवेंट फायर एंड डिबेरिट्स ऑफ एक्सप्लोसिव बीइंग ब्लोन अप। इसको और ये नॉर्मली सबको मालूम है, एमुनेशन एंड एक्सप्लोसिव आर to be kept in approved packing with proper fitment to avoid rattling, मतलब कि उसकी पैकिंग भी, जैसे मान लीजिए इसके अंदर ये बम रखा हुआ है, इस डब्बे के अंदर या इसके अंदर ये बम रखा हुआ, तो ऐसे सिंपली रख देंगे विदाउट पैकिंग के तो ये हिलेगा, पर इसके लिए प्रॉपर एक जैसे आप लोगों ने देखा होगा टीवी आती है, कोई सा भी सामान आता तो थर्मोकोल वगैरह के लगा करके, तो वैसे ही एक्सप्लोसिव रखने के लिए भी प्रॉपर फिटमेंट वगैरह बनाए जाते हैं, लकड़ी के और फेल्ट वूल वगैरह लगा करके फिटमेंट, जिससे कि वो ट्रांसपोर्टेशन में हेले डोले ना, जिससे कि एक्सप्लोशन वगैरह की संभावनाएं खत्म हो जाए। इसी के साथ में प्रॉपर सेफ्टी डिस्टेंस रखा जाता है, शुड बी हाइड्रेंट एंड स्टैटिक वाटर टैंक रहना चाहिए, उसके आसपास में फर्स्ट एड एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रखना चाहिए एक्सप्लोसिव स्टोरेज के लिए, जहां पे भी एक्सप्लोसिव। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले ही बता दिया, जो ऑक्सीजन क्या होता है कि आग लगाने में ज्यादा सहायता करता, तो इस तरीके से कुछ एक ऐसे आइटम रहते हैं जैसे ग्लिसरॉल, पोटेशियम परमैंगनेट, इनको एक साथ में नहीं रखा जाता, ये सारी चीजें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते, ह्यूमिडिटी या इसे जोड़ करके ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं और खराब कर देते हैं जो भी सब्सटेंस है, रूम टेम्परेचर पे भी एक्चुअली भी ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं, तो इसके लिए ऑक्सीडाइजर का एग्जांपल दिया हुआ क्लोरेट, पर क्लोरेट, क्रोमेट्स, ये सब आप लोग किताब से नोट कर लीजिएगा, अभी केवल रिपीट कर रहा हूं। ये पॉल्यूशन कंप्रेस्ड एयर, जैसे आपको सिलेंडर वाला सिलेंडर घर में जो यूज होता है, या आप लोगों ने वो देखा होगा कि गैस बिल्डिंग वगैरह वाले रखते हैं तो खड़ा ही रखते हैं, तो इस तरीके से जहां पे भी कंप्रेस्ड एयर वगैरह का यूज होता है तो अपराइट मतलब कि खड़ा रखा जाता है, चेंड या सिलेंडर शुड बी मेड
टू रेस्ट एंड सब्सटेंशियल सपोर्ट, मतलब कि मतलब आसानी से गिर ना जाए, जिससे कि उसका वॉल वगैरह जो लगे हैं वो टूटे ना, तो इसलिए इस खड़ा ही रखा जाता है और वेल वेंटिलेटेड एरिया में रखा जाता है। फ्लेमेबल मटेरियल्स को स्टोर इन कूल प्लेसेस, मतलब जहां जिसमें आग लग सकती है उनको कूल प्लेसेस में रखा जाता है वेल वेंटिलेटेड एरिया में। तो इनके क्वेश्चंस कम है, जिनके क्वेश्चन बने हैं बायोलॉजिकल हैजर्ड्स ड्यू टू लिविंग एजेंसी, ड्रॉप शॉक, ये सब कोई तो सीधे सीधे जो क्वेश्चंस बने हैं मैंने उसको मार्क किया हुआ है। एक सवाल जो आए हुए हैं उसके हिसाब से ये है, पीरियोडिकल टर्नओवर एंड एग्जामिनेशन के किस तरीके के आइटम का टर्नओवर, मतलब उलट पलट करके देखा जाता है, जैसे कि अपन अभी ठंड स्टार्ट हो रही तो सारे कपड़े निकाल करके उनको धूप दिखाते हैं, ऐसे ही जैसे ही ठंड खत्म होती तो धूप दिखाया जाता है, ऐसे ही फैक्ट्रीज जो टेक्सटाइल वगैरह रखा है, कपड़ा वगैरह रखा उसके लिए भी, और टिम्बर्स मतलब लकड़ी को भी प्रॉपरली धूप में दिखाया जाता है, और टेक्सटाइल को, टेक्सटाइल एंड टिम्बर शुड बी टर्न ओवर, ये सवाल है, एट लीस्ट ट्वाइस इन ए ईयर, दो साल, अब साल में दो बार धूप दिखाना है, किसको किसको, टेक्सटाइल और टिम्बर को, कब दिखाना है, समर के शुरू में, और समर जैसे सून आफ्टर समर मानसून, दो बार हो गया, समर के शुरू में और जब मानसून खत्म हो गया, मानसून खत्म होकर के ठंडी स्टार्ट हो रही, तो अभी अपन अपने घर में भी देख रहे हैं कि रजाई गद्दे वगैरह डाल करके धूप दिखाई जा रही है चीजों को। टाइप्स वगैरह कहीं नहीं पूछा जाता, सीधे सीधे पूछा जाता है। ये तो बताया कि कैसे खराब हो रहा, खराब होने से कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजिकल डैमेज के लिए क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन एयर की सप्लाई करते हैं, टेम्परेचर ज्यादा रख करके टेम्परेचर दिया जाता है, या कुछ एक जगह पे जैसे फूड मिल्क फ्रूट मीट एग्स वगैरह या फिश वेजिटेबल का स्टोरेज है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको रखा जाता है जिससे कि वो खराब ना हो। कुछ एक ऐसी जगह होती है, कुछ एक ऐसे आइटम होते हैं जिनमें हाई टेम्परेचर रखा जाता है वहां पे, जिससे मॉइस्चर वगैरह खत्म हो जाए, तो 70 डिग्री एंड अबव पे एयर ब्लो की जाती है, तो उससे जब गर्म हवा दी जाती है तो उससे जो माइक्रोबायोलॉजिकल कीटाणु वगैरह है तो वो खत्म हो जाते हैं। फूड सप्लाई क्वेश्चंस आए हैं और उसकी बात करते सीधे। अब एक ये है, वोलेटाइल फंगल इनहेबिटर VFI, लिख लीजिए फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म, तो
तो इसके लिए लिखते हैं टैबलेट्स ऑफ, ये 37 हटा दीजिएगा, 37 नहीं है कि आप लिखें 37 टैबलेट, ये 37 नंबर का पॉइंट था। तो टैबलेट्स ऑफ VFI 2 ग्राम ईच कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट 1 क्यूबिक मीटर एरिया टू प्रिवेंट फंगल ग्रोथ, मतलब 1 क्यूबिक मीटर एरिया के लिए को बचाने के लिए VFI 2 ग्राम का उपयोग किया जाता है। VFI ट्रीटेड पेपर कैन बी यूज फॉर रैपिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जहां पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह है तो वहां पे इस पे VFI वाले पेपर से बंद करके रखा जाता है। VFI इम्प्रिगेंटेड कार्डबोर्ड स्ट्रिप व्हेन इंसर्टेड इन बूट्स एंड शूज प्रिवेंट फंगल डैमेज इन ह्यूमिड एरिया, मतलब कि जूते या शूज वगैरह में सीधे सीधे कार्डबोर्ड में ये VFI लगा करके उसको स्ट्रिप को रख दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा। इंसेक्टिसाइड मटेरियल्स कौन कौन से, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वुली बियर्स एंड क्लॉथ मॉथ, इनके मतलब कि जो ऊनी कपड़े हैं और क्लॉथ में जो कीड़े लगते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। DDVP एंड एथाइलीन डाइब्रोमाइड खाली कमरे और गोडाउन में रखा जाता है। मतलब ये कीड़ों से बचाव के लिए बात हो रही है यहाँ पे पूरी। अदर फ्यूमिगेंट्स काय के लिए है, फूड ग्रेन्स एंड मिल्ड फूड स्टफ के लिए। व्हाइल अप्लाइंग फ्यूमिगेंट एंटर टू द बिल्डिंग गो डाउन ओनली आफ्टर वेयरिंग गैस मास्क, जहां पे ये यूज किया जा रहा है फ्यूमिगेंट तो वहां पे बिल्डिंग के अंदर घुसने के पहले गैस मास्क लगा करके ही घुसे, नहीं तो हार्मफुल रहता है। जैसे आप लोग घर में देखते होंगे कि आप हीट वगैरह डाल रहे हैं मच्छर वगैरह हटाने के लिए या कीड़े हटाने काकरोच हटाने के लिए वो डाल रहे तो माउथ को बंद कर लेते। वही सारी प्रैक्टिस जो चीजें हम घर में करते हैं वही सारी चीजें हम फैक्ट्रीज में स्टोर्स में करेंगे। इनहेलेशन फॉर लॉन्गर टाइम इज नॉट एडवाइजेबल, मतलब कि उस जहां पे ये सब डाला गया है तो ज्यादा समय तक वहां पे ना रहें। बिफोर अप्लाइंग एरिया शुड बी क्लोज्ड आफ्टर सम टाइम, मेक प्रॉपर वेंटिलेशन और स्टोर एग्जॉस्ट फैन, मतलब जब इसको डालना है तो उसके पहले पूरे एरिया को एग्जॉस्ट फैन से वेंटिलेशन करके और फिर डाला जाता है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है बिल्डिंग को। ये नॉर्मल चीज है। दीमक से कंट्रोल के लिए, दीमक से कंट्रोल के लिए टर्माइट कंट्रोल, तो इसके लिए क्या प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे कि दीमक लगे ही ना, क्योंकि दीमक लगने के बाद उसको हटाना बड़ा मुश्किल रहता है, तो इसको दीमक लगे ही ना उसके लिए क्या हम यूज करते, ट्रोसर्ट आइल इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव एंड इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ये वाला सवाल कई जगह पे आया है कि दीमक से बचाव के लिए हम क्या यूज करते, तो ये वाला आप लोग लिख लीजिए दीमक सीधे सीधे।
ये दीमक टिम्बर के अंदर रहता, सबको मालूम है, तो इसलिए इसको कंट्रोल की करने के डिफरेंट तरीके हैं। तो इसमें कंट्रोल ऑफ ग्राउंड ड्वेलिंग टर्माइट्स, मतलब कि जो जमीन में भी हो जाते हैं उससे आप एक्चुअली अपना काहे काहे में लगता है, दीवारों में भी लग जाता है, टिम्बर में लग जाता है, तो उसके लिए प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन वगैरह करके ग्राउंड ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जमीन पे ही पहले डाल दिया जाता है चीजों को। तो क्या क्या डालते हैं, जो पहले लिखा क्रोसोट एंड यूज्ड इंजन ऑयल 50-50%, मतलब जहां पे जमीन है जमीन का ट्रीटमेंट पहले किया जा रहा है, तो वहां पे क्या क्या डाल रहा है, क्रोसोट एंड यूज्ड इंजन ऑयल को डाल दे रहे हैं 50-50%। ये कितना डालते हैं, 8-9 mm लेयर ऑफ ग्राउंड। या फिर एक और चीज डाली जाती है, वेस्ट मिनरल ऑयल सच एज बर्न ऑयल एटसेट्रा में ऑल्सो बी यूज बाई देमसेल्फ विदाउट क्रूसेट with 5% DDT or gamma BHC in an emergency। जब वो नहीं है आपके पास में क्रोसेट, तो आप 5% DDT इंजन ऑयल में मिला करके या गामा BHC मिला करके भी उसका ग्राउंड ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लिखते जाइए, ये क्वेश्चंस है, सीधे सीधे मैं क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ इसकी भूमिकाएं छोड़ता जा रहा हूँ, वो एक आप लोग पढ़ लेना या सबको मालूम है, ऐसा कोई बड़े भारी जो क्वेश्चंस बन रहे हैं सीधे सीधे उन पे ही मैं बात कर रहा हूँ। इसके साथ में स्टोर में भी स्टैक्ड ऑन ए लेयर ऑफ ड्राई कोर्स सैंड अबाउट 10 mm थिक, मतलब कि ये मोटी वाली जो रेत आती है उसके ऊपर 10 mm थिकनेस वाली पूरी की पूरी बना करके लेयर बना करके उसके ऊपर स्टोरेज किया जाता है मटेरियल। इससे किसके लिए, दीमक से बचाव के लिए, अभी हम दीमक से बचाव की बात कर रहे हैं। एडिशन एंटी टर्माइट डैमेज, मतलब मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टोर फ्रॉम द रिवर्स ऑफ सब्सटेंशियल टर्माइट इज टू प्लेस स्टोर ऑन एन एंटी टर्माइट डैमेज एंड इंश्योर दैट टर्माइट डज नॉट गेन एक्सेस टू द स्टैक थ्रू हैंगिंग गर्नरी और थ्रेड द रिक्विसाइट ऑफ ए टिपिकल एंटी टर्माइट। तो इसके लिए क्या किया जा रहा, वर्टिकल क्लियरेंस ऑफ 30 cm बिटवीन द ग्राउंड एंड बॉटम ऑफ द स्टैक, मतलब जो सामान रखा हुआ है उसके और ग्राउंड के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, 30 cm का वर्टिकल क्लियरेंस, ऐसा दोनों के बीच में सामान ऊपर रखा हुआ है और जमीन है तो उसके बीच में 30 cm का, और एटलीस्ट 50 cm क्लीयरेंस फ्रॉम द वॉल, हर एक तरफ की वॉल से कम 15 cm दूर मटेरियल को स्टोर किया जाता है, एकदम से दीवार से लगा करके स्टोरेज नहीं किया जाता है, 30 cm ऊपर और हर एक तरफ की दीवारों से 15 cm दूर होना चाहिए। And metal sheet should be fitted at the near of the top of drainage pillars. Drainage pillars जो बनाया गया है उसमें metal sheet लगाया जाए top of the drainage pillar, ऊपर ढक दिया। The edge of shield should be projected about 8 cm beyond the side of pillar. मतलब जो आपने sheet लगाई उससे बाहर 8 cm तक वो निकली रहनी चाहिए metal sheet। And pillars and should be away by 6-8 cm from the layer surface of the stack.
जहां तक ये मान लीजिए सामान रखा हुआ है ये नीचा, तो इसके ऊपर कम से कम यहाँ पे भी एरिया खाली होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच का अंतर 6 to 8 centimeter कम से कम होना चाहिए। जहां पे मतलब कि एक तो पक्के फ्लोर में ही ये सारी चीजें स्टोरेज की जानी चाहिए मेनली है, यदि आपका टर्माइट वहां पे लगा हुआ दीमक, तो पक्का फ्लोर करा करके और ऊपर छत वगैरह लीकेज है तो उसमें अपन देखते हैं कोल टार पिच डाल दिया जाता है जिससे कि नमी ना आए या टर्माइट वगैरह से बचाव के लिए चारों तरफ से इसका बिल्डिंग वगैरह का प्रूफिंग की जाती है। अब लकड़ी की बात आ रही है, लकड़ी को बचाने के लिए तो जैसा पहले ही बताया कि मतलब जहां पे लकड़ी या टिम्बर रखे जाते हैं तो साल में दो बार धूप दिखानी है, तो वो मेथड हो गया। अब इससे बचाने के लिए दीमक वगैरह से बचाने के लिए क्या किया जाता है, कैरीड आउट विद 20 to 30 बाई वॉल्यूम मिक्सचर ऑफ क्या लग रहा है क्रोसेट एंड रॉ लिंस्ड ऑयल बाई वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मतलब ये दोनों चीज किस तरीके से लगाई जा रही है, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट किया जाता है ये दोनों आइटम से। दिस ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन वंस एवरी ईयर जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ समर। मतलब जब आपने शुरू हो रहा है समर तब आपने इसका ट्रीटमेंट किया, आपने एक तो धूप में धूप दिखाया और इसमें क्या क्रोसेट एंड रॉ लिंस्ड ऑयल लगाया तो उससे ट्रीटमेंट किया, और दूसरा ट्रीटमेंट क्या हो रहा है कोल्ड सोप वंस एवरी ईयर जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ समर। ये तीन प्रोसेस है, आप लोग इसका टाइमिंग लिख लीजिए। सोयाबिंग दिस ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन एट हाफ ईयरली इंटरवल ऑन द ट्रीटमेंट एवरी ईयर बींग जस्ट बिफोर ऑनसेट ऑफ समर। मतलब समर की शुरुआत में तो आपको करना ही करना है ये सारी चीजें। ट्रीटमेंट ऑफ प्लाईवुड, प्लाईवुड में भी वो लग जाते हैं कीड़े, फंगीसाइड वगैरह लग जाते हैं, दीमक लग जाते हैं, तो इसके लिए क्या क्या यूज करते हैं, सोडियम पेंटा क्लोरोपिथ्रोनेट, ये पूरा नाम लिख लीजिए। और सॉलिड स्टैकिंग की जाती, मतलब जो रखे जाते हैं बिल्कुल एक के ऊपर एक रखा जाता, और एक और चीज क्या लिखा हुआ विदाउट स्टिकर, फर्म वाले स्टिकर लगा देते हैं या कुछ एक में तो प्रिंट रहता, आजकल तो सारे में प्रिंट आता, यदि किसी में स्टिकर लगे हुए हैं प्लाईवुड पे तो स्टिकर निकाल करके उसको जमाया जाता, नहीं तो स्टिकर में तो गम वगैरह रहता कागज रहता तो उसके कारण और खराब हो, तो इसलिए विदाउट स्टिकर सॉलिड स्टैकिंग की जाती। All the sides of the stack should be thoroughly coated with crocet oil and oil mixture of copper naphthalene solution. So, जैसा लकड़ी में हम use कर रहे थे crocet और जला हुआ तेल, वैसे ही यहाँ पे भी use हो रहा लकड़ी के ही जैसा है plywood. तो क्रोसेट एंड ऑयल मिक्सचर और कॉपर नेफ्थलेट सॉल्यूशन, अलग अलग प्लाईवुड के टुकड़ों को कॉपर नेफ्थलेट इन व्हाइट स्प्रिट लगा करके भी ट्रीटमेंट किया जाता है।
और यदि प्लाईवुड इन्फेक्टेड हो गई है तो उसको डी इन्फेक्टेड करने के लिए क्या क्या किया जाता है ट्रीटमेंट, बाय हॉट एयर एट 60 डिग्री टू 70 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है फॉर 30 to 45 मिनट। जिस प्लाईवुड को कीड़े वगैरह लग गया है तो उसके लिए ये है ट्रीटमेंट। वुडन कंपोनेंट ऑफ ब्रिजिंग इक्विपमेंट, तो इसके लिए क्या किया जाता है ये भी एक सवाल मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ, 2 quarts of 10% कॉपर नेथनलेट सॉल्यूशन इन व्हाइट स्प्रिट, ये पोता जाता है 2 quart। तो पहली कोट और सेकंड कोट में अंतर क्या था, जैसे हम पोताई करते हैं जब तो पहले कोट सूख जाता है उसके बाद ही सेकंड कोट करते हैं, वही चीज है यहाँ पे। और इसके बाद में ये लगाने के बाद में 10% कॉपर नेथनलेट लगाने के बाद में इसके ऊपर पेंट कर दिया जाता। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऊन में जो वो लग रहा है कीड़े वगैरह लग रहे हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का धुआं लगाते हैं, ऊन की बात हो रही है, और कपड़े में जब कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो डिस इन्फेक्शन में वैक्सीनेटिव ट्रीटमेंट करने के लिए ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड का धुआं। किस हिसाब से दिया जाता है, एट द रेट ऑफ 1 cc per liter इफ स्पेस इज इन द एयर टाइट चैम्बर इन विच फ्यूमिगेशन इज कैरिड आउट, मतलब 1 cc per liter के में मिला करके इसका धुआं दिया जाता है एयर टाइट चैम्बर में। जैसे वो अपन अगरबत्ती लगाते हैं ना या लोभान वगैरह लगाते तो किस में रखे, शैलो डिशेस में रख दिया जाता है और उसका धुआं दिया जाता है और फिर इसको पूरे मतलब कमरे को बंद कर दिया जाता है। कब कितने देर के लिए, 72 hours के लिए कम से कम बंद कर दिया जाता है, तो जिससे कि धुआं अंदर भरा रहता है सारे कीड़े मर जाते हैं। हॉट एयर डिसइंफेक्टेशन, तो स्टोर कैन बी डिसइंफेक्टेड बाय एक्सपोजिंग देम टू हॉट एयर एट द टेम्परेचर ऑफ 60 to 80 degree फॉर 45 to 60 minutes, मतलब पौन घंटा से एक घंटा के बीच में हॉट एयर का टेम्परेचर दिया जाता है, गर्म हवा दी जाती है तो कीड़े मर जाते हैं। इसी प्रकार जैसे हम देखते हैं कि लॉन्ड्री मशीन से स्टीम या स्टीम स्टरलाइज्ड किया जाता है तो इससे क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ गारमेंट वगैरह को जैसा किया जाता है उसके हिसाब से ये कीड़ों को हटाने के लिए भी स्टीम स्टरलाइजेशन किया जाता है। डिपिंग इन बॉइल वाटर, गर्म पानी में डाल करके भी कपड़ों को साफ किया जाता है। ए लिटिल सोप लॉन्ड्री मे बी एडेड विद एडवांटेज ऑफ द वाटर, मतलब कपड़े में यदि कीड़े वगैरह लग गए हैं तो उसके लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। ड्राई क्लीनिंग की जाती है, जैसे हम लोग घर में भी कपड़े अभी गर्म कपड़े वगैरह पे यही करवाएंगे, ड्राई क्लीनिंग कोट वगैरह की करवाने जा रहे हैं। एक दूसरा ट्रीटमेंट है क्या, मार्टियस येलो ट्रीटमेंट, ये मार्टियस येलो 40 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 100 लीटर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि एक 100 लीटर पानी में 40 ग्राम ये मार्टियस येलो डाल करके उसमें कपड़ों को
ट्रीटमेंट किया था. इट हैज नो एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एनिमल. द ट्रीटमेंट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू फेल्ट यूज्ड एज लाइनिंग इन बॉक्सेस. मतलब कि ये कपड़ों के साथ में फेल्ट वगैरह जो यूज किया जाता है लाइनिंग, जैसे शुरू में बताया था कि इसके एक्सप्लोसिव वगैरह जहाँ पे स्टोर किए जाते हैं तो उसमें जो पैकिंग में रहता है तो फेल्ट वगैरह यूज किया जाता है, तो फेल्ट के ट्रीटमेंट के लिए भी ये ट्रीटमेंट किया जाता है, मार्टियस येलो ट्रीटमेंट. तो ये कहाँ नहीं किया जाता है, ये भी और इम्पोर्टेंट है. इस यदि घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इट कैन नॉट बी यूज टू इन स्टोर वेयर इट इज लाइकली टू कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ह्यूमन स्किन. मतलब कि उन कपड़ों पर नहीं ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि मतलब कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता हो ह्यूमन के. इट इज ऑल्सो इन एप्लीकेबल इन केस वेयर ब्राइट येलो कलर इज अनडिजायरेबल एंड वेयर द स्टोर इज लाइकली टू सफर फ्रॉम वेटिंग. मतलब कि जहाँ पे गीला कपड़ा ना हो का उपयोग ना किया जा सकता हो या एकदम पीला कपड़ा का यूज नहीं किया जा सकता, वहीं पे इस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है. ट्रीटमेंट विथ 50% DDT और गामा BHC सॉल्यूशन इन व्हाइट स्पिरिट पेट्रोल और सुपीरियर केरोसिन ऑयल के द्वारा भी किया जाता है. ड्राई क्लीनिंग में यही मेथड अपनाई जाती है, व्हाइट स्पिरिट से धोया जाता है. तो यहाँ पे एक ट्रीटमेंट दिया होगा 0.5% ऑफ DDT और गामा BHC सॉल्यूशन इन व्हाइट स्पिरिट या पेट्रोल या सुपीरियर क्वालिटी का केरोसिन ऑयल हो, उसके द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है. यह भी हम केवल और केवल बात कर रहे हैं कपड़ों के और गर्म कपड़ों के ट्रीटमेंट की बात हो रही है. गामा BHC में भी यूज्ड एज स्मोक इन एनक्लोज्ड नॉट नेसेसरली एयर टाइट स्पेस. फॉर एग्जाम्पल रूम में गैमेक्सिन या स्मोक जनरेटर के द्वारा इसका स्मोक डाला जाता है. मेलाथिनियन इज अवेलेबल एज एन इम्प्लीसिबल कंसनट्रेट 50% इज इट डाइल्यूटेड विथ 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर बिफोर बींग स्प्रेड. ये लिख लीजिए आप लोग वर्डिंग, ये सब सॉल्यूशंस के नाम है, ये आपको याद करने हैं. जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं तो उनको मालूम होगा गैमेक्सिन का छिड़काव किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, वो वही चीज लिखी हुई है. This is spread on all the 6 surfaces. मतलब नीचे ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह ये डाला जाता है, इससे चूहे भी भाग जाते हैं. तो आप लोगों को एक काम करना है, केवल और केवल आइटम लिखने हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या मतलब कि पाउडर लग रहा है या क्या केमिकल लग रहा है वो लिख करके एक लिस्ट जैसा बना लेना, उसको ही याद करना है. इतना लंबा चौड़ा आप पढ़ेंगे तो टाइम किलेंगे, केवल और केवल लिस्ट बनाइए, याद कर लीजिए, प्रोसेस कोई नहीं पूछता है.
ठीक है श्रीकांत जी, बोलिए सर। बनाया है आपने कोई लिस्ट इस तरीके की? तो नहीं सर, नहीं बनाया है सर। हर एक आइटम बना दूंगा की, सर। हर नहीं एक नहीं सर, आइटम, वो बना दूंगा। हर एक आइटम की लिस्ट बना दीजिए, किस आइटम के प्रिवेंशन के लिए क्या है और ट्रीटमेंट के लिए क्या। प्रिवेंशन का मतलब हो गया कि उसमें कीड़ा लगे ही ना, खराब ही ना हो, पर यदि कीड़ा लग गया है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। दोनों चीज अलग अलग हो गई, प्रिवेंशन अलग हो गया, निकालो ट्रीटमेंट अलग हो गया। सर। वो जगह निकाल लिया। एक चीज में सर मैं बताना चाहूंगा सर। बोलिए। हेलो हाँ सर, हाँ बोलो। आपने जो केरोसोल्ड ऑयल लिखते हैं ना, उसका एक्चुअली फॉर्म है केरोसाइट ऑयल सर। कैरोसाइट लिख लीजिए, हाँ केरोसाइट। कैरोसाइट हाँ आई। हाँ मैं ये कर दूंगा, क्योंकि सर मैं पढ़ा था सर इंजीनियरिंग में, हाँ हाँ ये केरोसाइट